देश में मेट्रो मैन के नाम से मशहूर ई श्रीधर अब बहुत जल्द राजनीति में कदम रख सकते हैं और बीजेपी की टिकट पर चुनाव लड़ सकते हैं। दिल्ली मेट्रो को शुरू करने और परियोजना को कामयाब बनाकर मेट्रो मैन का खिताब हासिल कर चुके ई श्रीधरन की नई पारी बीजेपी के साथ शुरू हो रही है। 21 जनवरी को केरल में बीजेपी की विजय यात्रा के दौरान वो पार्टी में शामिल होंगे। केरल बीजेपी के अध्यक्ष के सुदर्शन उन्हें पार्टी की सदस्यता दिलाएंगे। ई श्रीधरन के मुताबिक उन्होंने चुनाव लड़ने पर भी सहमति जता दी है। केरल के रहने वाले ई श्रीधरन को दिल्ली मेट्रो के अलावा कोंकण रेलवे, कोची मेट्रो समेत कई दूसरी रेल परियोजनाओं को कामयाब बनाने का श्रेय दिया जाता है। अब बीजेपी केरल में मेट्रो मैन के सहारे अपनी चुनावी रेल को सरपट दौड़ाना चाहती है। न पाबंदी हो न कोई हद हो तो बस खुद बनाई सरहद हो। ये मुहिम है परतों में छिपे हर सच की तलाश की, सियासत पर रखी पहनी नजर और आंख की, खबरों की दुनिया में एक जिम्मेदार आवाज की, जुर्म और जुल्म के खिलाफ हर बेबस के लिए इंसाफ की। जब कोई हद नहीं इंसानियत के लिए जज्बात की, जब कोई हद नहीं खुशियों और ख्वाब की, तब कोई हद क्यों हो नए नजरिए और बदलाव की। तोड़ के हदों के ताले नए सपनों को पाले, बांधे सबको एक धागे, आपको रखे आगे। एबीपी न्यूज़।